सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लकी ब्लॉगर में। दोस्तों आज मेरे सामने प्रेजेंट हो गई है फाइनली 2023 की हीरो की तरफ से आने वाली इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट सेलिंग बाइक, जो कि है हीरो पैशन प्लस, जिसे इंडियन मार्केट में फिर से हीरो ने लॉन्च कर दिया है, जो कि आज मेरे सामने अवेलेबल हो गई है, जिसका आज मैं एक डिटेल रिव्यू वॉक एंड वॉक शूट करने वाला हूं एंड आप लोगों को बताने वाला हूं इस बाइक के 2023 के कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, माइलेज, देन प्राइस क्या होने वाला है। एंड दोस्तों ये ओबीडी फेस टू वाला वेरियंट है, जो कि BS 6.0 के नाम से आता है, जिसमें आप लोगों को E20 के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ये ऐसी बाइक है जिसे हीरो ने डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन लोगों की डिमांड थी तो फिर से हीरो ने इसे प्रेजेंट कर दिया है फुल्ली मॉडिफिकेशन के साथ में। तो शुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल लुक से, जो कि आपको बहुत ही मस्कुलर सा देखने को मिलता है, टोटली अपडेटेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हेलोजन बेस हेडलाइट एरिया देखने को मिलता है, जो कि क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में आता है। विजिबिलिटी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। एक पायलट लैंप भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अंदर यूज किया गया है। एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको हेलोजन बेस देखने को मिलते हैं, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है। हेडलाइट के नीचे आपको नंबर प्लेट का स्पेस देखने को मिलता है। ऊपर साइड में देखेंगे तो हीरो की बैजिंग देखने को मिलती है। ग्लॉसी ब्लैक ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही सॉलिड सी है एंड प्रीमियम सी लगती है। साइड्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, वाइजर पे यूज किए गए हैं, जो कि टोटली अपडेटेड है एंड बहुत ही आई कैची यूनिक सा पैटर्न दिखा रहे हैं लोगों को और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने पर। एंड फ्रंट का जो व्हील फेंडर आपको देखने को मिलेगा, वो भी पूरा सिंगल टोन फिनिशिंग के साथ में देखने को मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक यूज किया गया है एंड सॉलिड से फिनिशिंग के साथ में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। एंड कुछ ऐसा है फ्रंट का प्रोफाइल, जो कि बहुत ही मस्कुलर सा लग रहा है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड से भी आप लोगों को बहुत ही मस्कुलर से लुक देखने को मिलते हैं, बहुत ही यूनिक सा पैटर्न यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे टैंक की तरफ, तो यहाँ पर आपको पैशन प्लस की बैजिंग देखने को मिलती है, जो कि ग्राफिक्स के तौर पर यूज़ किए गए हैं। टोटली न्यू ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही आई कैची लग रहे हैं देखने पर। बैक साइड में हीरो की बैजिंग है। नीचे आप देखेंगे तो पूरा टूल किट देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्रोम इंसर्ट्स यूज़ किया गया है, प्रोग्राम FI की बैजिंग यूज़ की गई है एंड नीचे I3S की बैजिंग यूज़ की गई है। सो कुछ इस प्रकार का पूरा साइड का प्रोफाइल, जो कि लोगों को पसंद आने वाला है एंड कुछ ऐसा यूनिक सा पैटर्न यूज़ किया गया, जिसकी वजह से लोग आकर्षित होंगे इस बाइक की तरफ एंड बाइक को परचेस करेंगे। रियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं रियर के पैटर्न को। तो रियर से भी आप लोगों को बहुत ही मस्कुलर से लुक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो टेल लाइट के ऊपर आपको हीरो की बैजिंग देखने को मिलती है, जो कि मैं पास से आपको दिखा दूँ। एंड जो यहाँ पर आपको टेल लाइट देखने को मिलती है, वो भी हेलोजन बेस देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी के साथ में आती है। टेल लाइट के नीचे आप देखेंगे रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलता है, नंबर प्लेट का स्पेस देखने को मिल जाएगा, पूरा रियर का व्हील फेंडर देखने को मिल जाता है, सॉलिड फिनिशिंग के साथ में आता है। एंड बैजिंग भी आपको देखने को मिलती है, जो कि न्यू अपडेटेड वेरिएंट की है एंड सेम फ्रंट के जैसे इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसा है पूरा रियर का प्रोफाइल, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। एंड सेकंड साइड प्रोफाइल की बात करें तो वो भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है। एंड अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इस बाइक में आप लोगों को 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक ओबीडी फेस टू वाला इंजन देखने को मिलता है, जो कि BS6 के साथ में आता है एंड ये टोटली अपडेट कर दिया गया है E20 के साथ में। एंड जिसकी मैक्स पावर है 7.9 PS की एंड जो मैक्स टॉर्क है वो है 8 Nm की, दोनों ही मिलकर इंजन को बहुत ही स्मूथली जनरेट करते हैं। 4-स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छे से गियर शिफ्ट करता है। एंड यहाँ पर आपको लेग गार्ड देखने को मिलता है, जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आता है। एक्सेसरीज के पार्ट्स हैं, सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाएगा। सेकंड साइड से आप देखेंगे इंजन की प्रोफाइल, तो यहाँ पर आपको हीरो की बैजिंग देखने को मिलती है, ग्लॉसी ब्लैक इंजन है, सेल्फ एंड केक दोनों के ऑप्शन है, नीचे रियर के ब्रेक लीवर हैं, एग्जॉस्ट कैटलेटर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी का कनेक्शन नहीं है, पूरे वायर्स आपको निकले हुए देखने को मिलते हैं। एंड ये पूरा एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जो कि मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आता है, जिसके ऊपर एक काउल इंस्टॉल किया जाएगा क्रोम फिनिशिंग का, जिसके बाद बाइक बहुत ही ग्लॉसी लगी के साइड से देखने पर। एंड अब बात कर लेते हैं मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि न्यू फीचर्स फंक्शंस के साथ में आता है, टोटली अपडेट कर दिया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे यहाँ पर ही हीरो की बैजिंग है, चाबी मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, डुअल की के साथ में आती है, हीरो की बैजिंग है। एंड सेंटर में देखेंगे तो स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, जिसकी मैक्स स्पीड है 140 की, हीरो की बैजिंग है। एंड लेफ्ट साइड में ऑल चेक लाइट्स इंफॉर्मेशन देखने को मिलती हैं। राइट साइड में डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको ट्रिप मीटर, फ्यूल इग्निशन एंड और जो फंक्शंस हैं चेक लाइट्स से वो देखने को मिलती हैं। नीचे मोड का बटन, जिसको प्रेस करके आप ट्रिप मीटर को एडजस्ट कर सकते हैं। I3 का स्विच है एंड यहाँ पर USB चार्जिंग का मोड देखने को मिलता है, जो कि टोटली अपडेट कर दिया गया है। क्रोम ट्रीटमेंट वाला पूरा हैंडल बार देखने को मिलता है, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर के साथ में आता है। एंड यहाँ पर सिंगल मिरर का ऑप्शन है, सेल्फ का स्विच देखने को मिलता है, एक अच्छी सी रबरी वाली ग्रिपिंग देखने को मिलती है। सेकंड साइड में भी मिरर का ऑप्शन है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम, ऊपर साइड में पासिंग का स्विच है, इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच देखने को मिलता है, यहाँ पे भी एक अच्छी सी ग्रिपिंग देखने को मिल जाएगी। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 11 लीटर कैपेसिटी के साथ में फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ग्लॉसी सा है। E20 की बैजिंग देखने को मिलती है, जो कि अपडेट कर दी गई है। फ्यूल कैप आपको सिल्वर फिनिशिंग में देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। सीट की बात कर ले तो सिंगल सीट देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल मटेरियल के साथ में यूज़ की गई, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। कंफर्टेबली राइडर एंड पिलियन कहीं पर भी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं।
एंड जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो आप ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिलते हैं, अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आते हैं। ओवरऑल दोस्तों सीट कंफर्ट, स्विचेस क्वालिटी, मीटर कंसोल अच्छा देखने को मिलता है जो कि टोटली अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं इस बाइक के फ्रंट में और बात करते हैं इस बाइक के टायर्स एंड व्हील्स के बारे में। तो फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को टायर्स देखने को मिलते हैं, सीट की तरफ से आते हैं जो कि ट्यूबलेस यूज़ किए गए हैं, जिनका टायर साइज है 80x100 18 इंचेस मैट ब्लैक एलॉय व्हील्स के साथ में। एंड जो व्हील्स यूज़ किए गए वो आप देख ही रहे हैं, ग्राफिक्स के साथ में यूज़ किए गए जिससे एक अच्छा लुक आता है देखने पर। ग्रिपिंग पावर भी मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस प्रकार की है। एंड फ्रंट में जो आपको ब्रेकिंग पावर देखने को मिलती है वो आती है 130mm की ड्रम ब्रेक के साथ में, जो कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम को यूज़ करती है बहुत ही अच्छे से। फ्रंट में ही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं डुअल। एंड रियर में जो आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं वो आते हैं ट्विन शॉक्स ट्यूब वाले सस्पेंशन, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल रहते हैं, स्प्रिंग लोडेड यूज़ किए गए हैं। एंड रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है जो कि आती है 130mm की ड्रम ब्रेक के साथ में, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम को यूज़ करती है, ब्रेकिंग पावर अच्छी से देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे भी आपको सीट के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं जिनका टायर साइज सेम ही है 80x100 18 इंचेस मैट ब्लैक एलॉय व्हील्स के साथ में। व्हील्स आपको सेम ही देखने को मिलते हैं डिजाइन एंड कट्स वाले, जिससे अच्छा लुक आता है। ग्रिपिंग पावर भी आप देख ही सकते हैं अच्छी सी यूज़ की गई है, सिंगल फुट स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा राइट साइड में। सेकंड साइड में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे फुल फेयरिंग साड़ी गार्ड देखने को मिलता है लॉन्ग पैड के साथ में। एंड ये आपको एक लॉकर देखने को मिलता है जिसके ऊपर छोटा मोटा सा सामान आप कैरी कर सकते हैं हुक करके। एंड नीचे देखेंगे सिंगल फुट स्टेप लेफ्ट साइड में। एंड पूरी कवरिंग के साथ में आपको चैन देखने को मिलती है। साइड स्टैंड कटआउट का सिस्टम इस बाइक में भी देखने को मिल जाएगा, जिसका इग्निशन मीटर कंसोल में है। ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा वॉक एंड वॉक जो कि मैंने आपको दिखा दिया। एंड अब मैं आप लोगों को इस बाइक का एक शोरूम प्राइस बता दूं जो कि है 76,200 रुपये के अप्रॉक्स में। एंड जो ऑनर प्राइस है लखनऊ का वो है 91,500 रुपये के अप्रॉक्स में। माइलेज की बात करें तो 65 से 70 km का माइलेज आप लोगों को आराम से बाइक प्रोवाइड करने वाली है। एंड अगर बात करें पूरी बाइक के बारे में तो बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, सभी फीचर्स एंड फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड जो ग्राफिक्स यूज़ किए गए वो भी बहुत ही अच्छे हैं, टोटली अपडेट कर दी गई है। सो आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक।